हेलो व्यूवर्स, आशा है आप स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हॉलो यानी कि खोखले स्टील सेक्शन का वेट निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 4923, जो है कि हॉलो स्टील सेक्शन फॉर स्ट्रक्चरल यूज। उसके मुताबिक इन हॉलो सेक्शन को हॉलो ट्यूब और बॉक्स इत्यादि नामों से भी जानते हैं। तो आज जिक्र करेंगे हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन का, जिनके कोने गोलाई में होते हैं। शार्प एज वालों की बात नहीं कर रहे हैं आज, सिर्फ उनकी करेंगे जिनके कोने राउंड शेप में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर अटैच हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर कर्सर घूम रहा है। ये एक हॉलो ट्यूब है और ये इसकी वॉल थिकनेस है। और ये देखेंगे आप, इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड शेप में है ना। यहाँ भी आपको राउंड दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये जो एक सेक्शन है, इसके कॉर्नर बिल्कुल शार्प एज में है। ये देखिए बिल्कुल शार्प है। तो ये हमने यहाँ पर दो तीन पिक्चर बनाई हैं। तो ये एक देख लीजिए, ये है 25 mm x 25 mm, इसकी वॉल थिकनेस है 2.6 mm। ये है स्क्वायर में और ये रेक्टेंगुलर है। ये देखिए, ये है 50 x 25 mm और इसकी जो थिकनेस है ये है 2.9 mm। ये एक शार्प एज का भी हमने पिक्चर बनाई है यहाँ पर। ये भी 25 x 25 का है, थिकनेस भी 2.6 है, बस इसके एजेस जो है वो शार्प हैं, बाकी ये राउंड शेप में है, इतना फर्क है। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि वेट निकालने के लिए हमें क्या क्या इसकी जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो क्या क्या जरूरत है और फिर क्या फार्मूला है। तो ये देखिए, हमें यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फील्ड है, हमें इसकी लेंथ की ज़रूरत होगी, इसकी ब्रेथ की ज़रूरत होगी, इसकी डेप्थ की ज़रूरत होगी और थिकनेस की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, ये मैंने अभी यहाँ पहले से लिख दिए हैं। अभी मैं इन सबको हटा के और आपको ये किसी करके दिखाऊंगा पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो है, इसे भी मैं यहाँ से पूरा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये कैसे हुआ है। और ये फार्मूला भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये पूरी यूनिट mm में है, ये पूरा मिलीमीटर है और ये मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको केजी पर मीटर बता रहा हूँ, इसीलिए ये यूनिट मैंने यहाँ से पहले ही कन्वर्ट कर दी है mm से मीटर में। तो यहाँ पर मैंने 1000 है mm। अब इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो क्या करूँगा, बेस डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि एक मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000। तो ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे, तो ये नीचे पूरा फार्मूला कॉपी हो गया। अब यहाँ पर हमें जो जो है साइज, हमें जिस साइज का वेट निकालना है वो रखते हैं। जैसे कि हम रखते हैं 25 mm इसकी विड्थ है, डेप्थ भी इसकी 25 mm है, थिकनेस में हम मान के चलते हैं कि 2.6 mm। तो ये हमारी साइजेज हैं mm में और ये अब हमारे साइजेज होगी मीटर में। ठीक है जी, अब फार्मूला ये है, 2 × t फॉर थिकनेस इंटू ब्रैकेट स्टार्ट b फॉर ब्रिथ -4 × t फॉर थिकनेस प्लस d फॉर डेप्थ -4 × t फॉर थिकनेस प्लस 3/2 × 22/7। ये है पाई की वैल्यू इंटू टी ब्रैकेट क्लोज फिर × 7850। ये 7850 स्टील की डेंसिटी है पर क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, आइए अब इसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब देखिए, 2 × t into bracket start b minus 4 × t plus d minus 4 × t plus 3/2 × 22/7 into t for thickness bracket close × 7850। ये इसकी डेंसिटी है। अब हम इसे जैसे ही एंटर करेंगे ये वैल्यू बता देगा। ये आगे देखिए 1.69, यानी कि वेट केजी पर मीटर आ गया इसका, जो 25 mm x 25 mm x 2.6 mm जिसकी थिकनेस है उसका वेट है 1.69 केजी पर मीटर। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं कैलकुलेटर की। देखिए कैलकुलेटर में अभी सब कुछ वही है,
कंप्लीट वही है, कोई चेंजेज नहीं है इसमें। पहले हमने यहाँ पर शेल में कुछ डाटा वैलिडेशन करके डाटा रख दिया था, बट बाद में ये फील हुआ कि अगर उसके बाद उसके बियॉन्ड कोई साइज आया तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए अभी देखिए जैसे हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, ये अभी ब्लैंक है। अब इसमें आप जो साइज जी जो भी आपके सामने हॉलो सेक्शन हो या जिसका भी आपको वेट निकालना हो वो आप इसके अंदर साइज जब एंटर करेंगे तो ये नीचे वेट कैलकुलेट करके रख देगा। जैसे कि हम यहाँ पर 25 25 2.6 जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा है एग्जांपल में वही देखते हैं। इसमें 25 देखिए विड्थ दी गई है, ये इसकी डेप्थ है और 2.6 इसकी थिकनेस थी, तो ये देखिए 1.69 आ गया। अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरा साइज रखना हो जैसे कि 50 mm by 50 by 25 पर इसको चेंज कर दीजिए 2.9, तो 2.98 देखिए ये जो भी आप रखेंगे तो ये चेंज कर देगा। तो ये इतना है इसे आप अपने पास रखते हैं, जब भी कोई किसी हॉलो सेक्शन का साइज निकालना हो आप उसकी डायमेंशन इसके अंदर एंटर कीजिए और ये आपको अपना वेट निकाल के दे देगा। तो इस टाइप की और लगातार वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ आप इसे शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।